अभी हम लोग हैं सारनाथ में और जो कि वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वीडियो में मैं सारनाथ के सारे टूरिस्ट प्लेस को कवर करूंगा, तो आइए मेरे साथ घूमिए सारनाथ। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह है धार्मिक स्तूपा और यहीं पे भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। इस स्तूपा के जस्ट बगल में है दिगंबर जैन टेंपल। यह एक बुद्धिस्ट टेंपल है और इसके अंदर जाने से पहले आपको स्नान करना जरूरी है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम है सारंगनाथ मंदिर। वाराणसी में भगवान शिव के कई रूप हैं और उनका एक रूप इस मंदिर में भी है। यहाँ पर भगवान शिव के दो शिवलिंग एक साथ मौजूद हैं, एक बड़ा और एक छोटा। ऐसा कहा जाता है कि सावन में अगर इस मंदिर का दर्शन कर लें तो वह काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के बराबर होता है। अगर आप वाराणसी में सारनाथ में आते हैं तो आप इस मंदिर का दर्शन जरूर करें। इस मंदिर के पिछले हिस्से में एक तालाब भी है जिसमें बहुत सारी मछलियाँ भी हैं। यह है जापानीज मंदिर और यहाँ भगवान बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। इस मंदिर के अंदर दीवारों पर भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर मरने तक की अलग अलग मुद्राओं में पेंटिंग द्वारा अनोखी चित्रकारी की गई है। अभी मैं सारनाथ के सबसे फेमस टेंपल बुद्धिस्ट टेंपल में आ गया हूँ। इस मंदिर का निर्माण 1931 में महाबोधि सोसाइटी द्वारा करवाया गया है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला वर्षकाल इसी मंदिर में बिताया था। यह है मंदिर का अंदरूनी हिस्सा जहाँ पे मंदिर की दीवारों पर सुंदर चित्रों को दिखाया गया है जो कि भगवान बुद्ध के जीवन को दर्शाता है। इस जगह पे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे।
जो पेड़ आप देख रहे हैं ये है महाबोधि वृक्ष। इस मंदिर के पिछले हिस्से में एक मिनी जू भी है, तो आप चाहें तो आप वहाँ भी घूम सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे डियर्स और गोल्डन फिश आपको देखने को मिलेंगे। ये है सारनाथ का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस और यहाँ पे लगभग सारे टूरिस्ट आते हैं, और इसका नाम है स्टैचू ऑफ स्टैंडिंग बुद्धा। ये विश्व का सबसे ऊंचा धम्म चक्र के मुद्रा में भगवान बुद्ध का प्रतिमा है, जो कि लगभग 70 फुट ऊंचा और भव्य प्रतिमा है। अगर अभी तक आपने हमारा वाराणसी का एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। एक और मंदिर है जिसके अंदर भी आप भगवान बुद्ध का प्रतिमा देख सकते हैं। सम्राट अशोक ने पूरे देश में कई जगह पे अशोक स्तंभ को बनवाया था, जिसमें से एक अवशेष आज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये था वाराणसी का एपिसोड 2। आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।